पति जी, मेरा छोटा भाई समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, मैडम पटेल जी, जया बच्चन जी, किरणमय नंदो जी, अपना पार्टी का भी मिसेस पटेल जी, गठबंधन का हर नेता, हर भाइयों, हर बहनों, सारे बुजुर्गों, दोस्तों, माँ भाइयों और बहनों, मैं पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे को बनारस में आके दो चार बात कहने का मौका दिया है। मैं आपको आभारी हूं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, आप लोगों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी, आप लोगों को बहुत बहुत सलाम, आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं दो चार बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दो दिन पहले शिवरात्रि हुआ, हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव, सबको रखे, सुस्त रखे, शांत रखे। ए बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया, राजनैतिक को चल बसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं, और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था, तो मैंने गाड़ी से उतारा, मैंने गाड़ी से उतारा और उतार के हम कुछ दफे खड़ा रहा ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं, तुम तो डरपोक हो डरपोक, तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ थोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा,
अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है।